बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनल अकाउंट का एक न्यू क्वेश्चन लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2005। 3 रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड बैलेंस शीट की। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। आपने भी सेम फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कंबाइन बनाएंगे हम। उसके बाद डिटेल्स का कॉलम होगा, फिर उसके बाद रुपीज़, अगेन डिटेल्स एंड रुपीज़। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपने साथ साथ बुक में भी देखते जाना है। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 90,000। देन हमें यहाँ पर गिवन है परचेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, अमाउंट है हमें यहाँ पर 1,80,000। और परचेजेस में से हम परचेजेस रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं। परचेजेस रिटर्न्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,250 रुपीज़ की, ये हमने यहाँ पर माइनस कर देनी है। 1,80,000 में से 2,250 जब माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,77,750 रुपीज़ की। चलते हैं अपने क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 5,31,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न्स की अमाउंट हमें गिवन है 3,000। क्लियर। और एंड में हम यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहां पर एडजस्टमेंट्स में गिवन है। फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज 1,05,000। 1,05,000 सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स को माइनस करेंगे हमारे पास यहां पर आंसर आएगा 5,28,000। अब ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। हमें यहां पर गिवन है वेजेस। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वेजेस की अमाउंट है 30,000। देन हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है 2,250 रुपीस। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको हमने यहाँ पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया और डायरेक्ट इनकम को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड को ऐड कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 6,33,000। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और यहाँ पर डेबिट साइड पर भी 6,33,000 यहाँ पर लिख देंगे और डेबिट साइड को 6,33,000 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,33,000। ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे या डेबिट से यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट है हमारे पास 3,33,000।
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर हमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनमें सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जब हम कोई चीज सेल आउट करते हैं किसी बिजनेसमैन पर या किसी कस्टमर पर और उसको अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउ कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ नीचे हमें दिया गया है डिस्काउंट रिसीव। जब हम किसी बिजनेसमैन से कोई चीज़ परचेस करते हैं और वो हमें कुछ डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट हमारी इनकम कंसिडर की जाती है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 2400। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सैलरीज। सैलरीज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं। सैलरीज की अमाउंट हमारे पास 20,400। देन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट है हमारे पास 3,600। दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें यहाँ पर गिवन है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट एंड टैक्सेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 30,000। एडवर्टाइजमेंट्स के एक्सपेंस हमें गिवन है, एडवर्टाइजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है। एडवर्टाइजमेंट्स की अमाउंट हमें दी गई है 6,000। उसके बाद हमें यहां पर दिया गया है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बैंक चार्जेस की अमाउंट है 225। इसके बाद हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में दी गई हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 6% पर एनम। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्लांट एंड मशीनरी पर 6% के हिसाब से। यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है 2,40,000। यहाँ पर लिख देंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, क्योंकि 6% हमने डेप्रिसिएशन पर निकालनी है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 14,400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास यहाँ पर बैड डेट्स प्रोविजन टू बी मेंटेन एट ₹1,500। यहाँ पर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि जब कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे तो उसमें चार चीज़ें होती हैं, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन। ऑल बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन ये तीनों ऐड होते हैं और ओल्ड प्रोविजन इनमें से माइनस हो जाती है। अगर ऑल बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को ऐड करें और जो अमाउंट हमारे पास आएगी अगर वो ओल्ड प्रोविजन से बड़ी है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर ऑल बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को ऐड करें और जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो अगर ओल्ड प्रोविजन से कम है, ओल्ड प्रोविजन से छोटी है, तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम इन तीनों को ऐड करें और हमारे पास
जो अमाउंट आई है वो है 100 रुपीज़, लेकिन ऑल प्रोविजन हमें यहाँ पर गिवन है 120 रुपीज़। तो यहाँ पर ये तीनों ऑल प्रोविजन से छोटे हैं, कम हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेम सिचुएशन हमें इस क्वेश्चन में भी दी गई है। इस क्वेश्चन में हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स, देन न्यू बैड डेट्स, फिर न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी, यह हमें प्रोविजन दी गई है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है 1575। ओल्ड प्रोविजन को हम यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन के सामने लिख देंगे 1575 रुपीस। ओल्ड बैड डेट्स हमें नहीं गिवन, न्यू बैड डेट्स भी हमें नहीं गिवन, लेकिन एडजस्टमेंट्स में हमें न्यू प्रोविजन गिवन है 1500 रुपीस की। तो 1500 रुपीस को हम यहाँ पर सामने लिख देंगे। अब देखिए 1500 में से 1575 जो है ये तो माइनस नहीं होते, लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा उसको हमने यहाँ पर सामने लिख देना है। डिफरेंस है हमारे पास 75 रुपीस। क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इन तीनों को ऐड करें या इन तीनों में से कोई एक भी गिवन हो जो ओल्ड प्रोविजन से कम हो, तो उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम थी उनको हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड को ऐड कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 335,475। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और डेबिट साइड पर भी यही लिख देंगे 335,475। 335,475 में से तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 259,800। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कंप्लीट हो गए। अब बारी है बैलेंस शीट की। दोस्तों, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहां पर बना लिया है, आपने भी सेम फॉर्मेट बनाना है। एक एसेट्स का कॉलम होगा रुपीस, अगेन लाइबिलिटीज एंड रुपीस। लाइबिलिटी साइड पर आप सबसे पहले यहां पर ऊपर लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ऐड, एंड इनमें से माइनस ड्राइंग्स कर देंगे। कैपिटल हमें ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर दिया गया है 1,50,000 रुपीस। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है, नेट प्रॉफिट की अमाउंट है हमारे पास 2,59,800 और ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई। ठीक है, इन दोनों को ही हमने यहां पर ऐड कर देना है। आंसर आएगा हमारे पास 4,09,800। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमें सिर्फ एक ही लाइबिलिटी दी गई है जो है यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल के साथ। यहां पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है हम यहां पर 75,000। अब डेबिट साइड पर चलते हैं। डेबिट साइड पर सबसे पहले हम
करंट एसेट्स को लिखते हैं। करंट एसेट्स में हमें सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है, कैश इन हैंड। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 2700। देन हमारे पास गिवन है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी हमारा करंट एसेट है, 18,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी डेटर्स को, अकाउंट्स रिसीवेबल, सैलरी डेटर्स। सैलरी डेटर्स की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 1,35,000। ठीक है, इसमें से हमने यहाँ पर माइनस करना होता है न्यू बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन। न्यू बैड डेट्स तो हमें यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन न्यू प्रोविजन हमें क्वेश एडजस्टमेंट में दी गई है। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास 1,500 रुपीज़। 1,500 हम 1,35,000 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,33,500। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है हमारे पास 1,05,000। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट हमारे पास एक ही गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 2,40,000। 2,40,000 में से हमने वो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट की थी, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट की थी 14,400, माइनस हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 2,25,600। अब जितने भी एसेट्स थे उनको हमने एसेट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, और जितनी भी लाइबिलिटीज थी उनको हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। अब दोनों साइड्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लाइबिलिटी साइड को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4,84,800। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और डेबिट साइड पर भी 4,84,800। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा और आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को शेयर करना है। मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।